नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी महिलाएं जिनकी की डिलीवरी होने वाली हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कोई कहीं जा भी नहीं पा रहा, कोई कहीं से आ भी नहीं पा रहा है। वैसे लॉकडाउन का मतलब है घर के अंदर रहना, लेकिन डिलीवरी करवानी है तो हॉस्पिटल तो जाना ही होगा। तो किस प्रकार से हॉस्पिटल जाएँ, कैसे वहाँ पे मैनेज करें, बेबी हो जाएगा तो उसकी देखभाल कैसे करें, मतलब कि न्यू बॉर्न की केयर कैसे करें। तो दोस्तों, मेरे पास इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में थोड़ा बहुत सुझाव देने वाली हूँ, तो हो सकता है आपके थोड़ा बहुत काम आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लॉकडाउन के दौरान यदि आपकी डिलीवरी होने वाली है तो क्या करें, कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू। आपके पास आपके डॉक्टर का नंबर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर नंबर नहीं देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि डॉक्टर से कभी कभी दिखाने जाते हैं, मतलब कि अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो एक आध बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते, नहीं तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। और ऐसा मैंने बहुत सारे केस में देखा है, तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं होता, और जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम वो किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में चले जाते हैं और वहाँ जाके जो है डिलीवरी करवा लाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अपने घर वालों के अनुसार चलना होता है। तो यदि मान लीजिए कि आप गांव में रहते हैं या फिर आपके साथ आपकी पूरी फैमिली रहती है, सासू माँ वगैरह रहते हैं, तो वो मैनेज कर लेंगे जैसे भी इनको लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी घर पर करवा लें, या फिर जब उन्हें लगेगा कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना है तो वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा मिल जाता है कि अब डिलीवरी होने वाली है, तो वहाँ तो टेंशन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जो लोग अकेले रहते हैं उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है कि क्या किया जाए। तो उन लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी, आपके पास हॉस्पिटल का नंबर होना चाहिए या फिर डॉक्टर का नंबर होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ड्यू डेट से पहले आपके साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पहले नहीं हो रहा था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होना, दर्द स्टार्ट हो जाना, और वो दर्द रुक ही ना रहा हो, लगातार होता ही जा रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो, मतलब कि जो दर्द आपको अभी एक घंटा पहले कम था उसकी मात्रा बढ़ गई है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि शायद ये लेवर का दर्द है। पानी की थैली का फटना, म्यूक्स प्लग का निकलना, आपको शायद डायरिया हो जाए, आपको बेचैनी महसूस हो, बहुत ज़्यादा आपको यूरिन आए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे नीचे की तरफ, तो जब डिलीवरी होने वाली होती है ना आपको खुद ही पता चल जाता है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया उस चीज़ का ध्यान रखें, और डॉक्टर का नंबर है तो उनसे बात करके हॉस्पिटल चली जाएँ, या फिर आपको लगता है कि डिलीवरी हो जाएगी तो आप हॉस्पिटल चली जाएं। अब दोस्तों, दिक्कत यही है कि हॉस्पिटल जाने की टेंशन, तो करना क्या है, सावधानी पूर्वक जाइए। अगर आपके पास अपनी सवारी है, कार है, तो आप उसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं, यदि नहीं है तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए, वो आपके घर तक आ जाएंगे और आपको हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। तो जाने आने की व्यवस्था आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो आपने डिलीवरी बैग तैयार किया था वो तो आपको वैसे ही तैयार करके ले जाना है, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से कवर होके जाना है, हो सके तो हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, डॉक्टर वाले ग्लव्स आते हैं ना वो पहन लीजिए, नहीं भी पहना है कोई बात नहीं, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाइए, मुंह को ढक के जाइए, मास्क लगा के जाइए, अगर मास्क फिलहाल नहीं है घर में तो दुपट्टा से अपने मुंह को नाक को अच्छे से ढक लीजिए, और कोशिश करें कि हॉस्पिटल में किसी भी हालत में अपने हाथों से अपने आँख, मुंह और नाक को ना छुएं, क्योंकि यहीं से कोरोना वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो अपने हाथों को अपने इन चीज़ों पर ना लगाएं, तीन चीज़ों पर, ठीक है। और आपने कुछ भी छुआ, मान लीजिए आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो आपने लिफ्ट का बटन छुआ, या फिर आप जहाँ बैठे हो जिस चेयर पर आपने उस चेयर को छू लिया, आपने कुछ भी छुआ, कहीं दीवार छू लिया, अगर आप सीढ़ी से जा रहे हैं तो जहाँ पकड़ने के लिए होता है ना सीढ़ी, हम कई बार उसको पकड़ पकड़ के नीचे जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, आप एम्बुलेंस में गए हो, आप अपनी कार में गए हो, तो उनको भी आप छू के गए हो, तो तभी आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, ठीक है। जितना हो सके सैनिटाइज कीजिए, कुछ भी छुए तुरंत सैनिटाइज कीजिए, और जहाँ तक हो सके लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। और दोस्तों, आपके हस्बैंड तो आपके साथ होंगे ही, तो उनसे पहले बोले बातचीत करके रखें, सब कुछ तैयार करके रखें, और एकदम से जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, बाकी डॉक्टर से बात करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप ये काम कीजिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक जाइए। और दोस्तों, मैं आपसे एक कहूँगी, एक बात का ध्यान और रखें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही जाएं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं ना किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, तो पता कर लीजिए पहले से कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, वैसे आपको पता ही होगा कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है आसपास, तो वहाँ पर ही जाइए, ठीक है, ताकि आपकी सुरक्षा का अच्छे से इंतजाम किया जाए। बाकी दोस्तों देखिए, हॉस्पिटल वाले वहाँ आपका ध्यान रखेंगे ही, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखेंगे, वो आपका ध्यान अच्छे से रखेंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो जुकाम बुखार है आपको, अगर उनको लगेगा कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपका टेस्ट करवाएंगे, इसलिए आप निश्चित हो जाइए, अगर आपको नहीं है तो अपने हिसाब से इंतजाम करेंगे। तो हॉस्पिटल जाने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा रखते हैं। अब दोस्तों, डिलीवरी जैसे होनी है आपकी हो जाएगी। अब दोस्तों, मेन बात आते हैं आपके बच्चे की देखभाल की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
हो सकता है आपने पहले से अपने घर में से किसी को बुला लिया हो, अगर ना बुलाया हो, आपके घर वाले आसपास रहते हो तो वो आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर से निकलना बंद हो गया है, इमरजेंसी हो तो घर से बाहर लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, लेकिन सच में इमरजेंसी है तो आपको करना क्या है, यदि मान लीजिए कि आपके गांव से या फिर कहीं और से आपके घर का कोई मेंबर आना चाहता है तो कर ये सकते हैं कि परमिशन लेके आ सकते हैं, तो उन्हें बोलिए कि वो परमिशन बनवा लें और परमिशन लेने के बाद वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आ जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास अगर पूरी फैमिली वाले रहें तो सबको बुला लें, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शांतिपूर्वक किसी एक को बुला लीजिए जो कि आपकी देखभाल कर सके, ठीक है। तो उनको एक दो को बुला लीजिए जो आपकी देखभाल कर सके, और ज़्यादा को बुलाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो पहले से बच्चों के कपड़े नहीं खरीदते हैं, और खरीदते भी हैं तो लॉकडाउन हो गया तो कैसे खरीदें। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए एक उपाय ये है कि बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ के बच्चों के सामान मिल जाते हैं, तो कुछ साइट्स को आप सर्च कीजिए, शायद आपको वहाँ पर न्यूबॉर्न के कपड़े वगैरह मिल जाएँ। डायपर्स वगैरह तो आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन पर मिल जाएगा, और जो भी बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ तो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, बाकी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ऑनलाइन मंगा लीजिए पहले से, जब आपका पैकेट आ जाता है जो भी आपने सामान मंगवाया है उसको कम से कम 24 घंटे ना छुएं, हो सके तो 2-3 दिन ना छुएं। उसके बाद क्या करें, सामान निकाल के जैसे कि आपने अपने बेबी के लिए कपड़े मंगवाए हैं तो उसको अच्छे से धो के प्रेस करके रख दीजिए। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं, तो एक आपको ये काम करना है। दोस्तों पुराने ज़माने में क्या करते थे, घर पर बैठ के डायपर वगैरह बना लेते थे, लंगोट बना लेते थे, कपड़े बना लेते थे। आप पे आता है तो टाइम का फ़ायदा उठाइए, घर पर खुद बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। बाकी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल दूर कर सकूँ, और कोई भी दुविधा हो मन में उसके बारे में बात आप कर सकते हैं मुझसे। और दोस्तों जब हॉस्पिटल में आपका बेबी हो जाता है, जब आपको डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे तो वो पूरा चेकअप करके ही अच्छे से करेंगे, तो अपने बेबी को अच्छे से सावधानीपूर्वक घर पे ले आइए और किसी एक को ही बुलाइए। फिलहाल यदि लॉकडाउन के दौरान ही नामकरण पड़ रहा है या फिर आपको पूजा पाठ करवाना है तो उसको रोक दीजिए, कुछ टाइम बात करा लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय। तो भगवान से हाथ जोड़ो कि ये बीमारी ना हो, क्योंकि जिस घर में हो रहा है ना ये पूरी फैमिली को ही हो रहा है, और आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है तो कोशिश करें जितना लोगों से दूर रह सके उतना ही बेहतर होगा। नामकरण वगैरह तो आराम से हो जाएगा, बस आपका बच्चा सही सलामत घर आ जाए, सब कुछ ठीक है, यही बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नामकरण वगैरह सबको कैंसिल कर दें, और जितना हो सके कम से कम सामान में काम चलाने की कोशिश करें, और बाकी सामान तो मार्केट में मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, और आपके हस्बैंड आपके फैमिली वाले साथ में रहेंगे ही, तो जो भी सामान लाना है वो जाके ला सकते हैं, लेकिन अच्छे से सुरक्षा के साथ। और आपको बताइए कि सुरक्षा कैसे रखनी है, तो उस हिसाब से आराम से जाके सामान भी ला सकते हैं, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको वीडियो भी पसंद आ गया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।